तो दोस्तों अब यहाँ पर तो चाइना ने भारतीय सीमा के पास ही एक बुलेट ट्रेन शुरू कर दी है। ये टिबेट में लोकेटेड है और ये काफी सारे इंपॉर्टेंट जगहों को कनेक्ट करती है, जैसे कि लासा, नियांगची, ऐसे जो भी टिबेटियन बॉर्डर पे टाउन है तो उन्हें स्ट्रैटेजिकली इन्होंने कनेक्ट कर दिया है। बट अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि यहाँ पर ये लोग क्यों बुलेट ट्रेन बना रहे हैं? यहाँ पर तो ज्यादा कोई पैसेंजर आएगा ही नहीं, ये तो पूरी तरह से फ्लॉप जाने वाला है। बट चाइना ने बड़े ही शातिर अंदाज में इंडिया को काउंटर करने के लिए इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। आपको बता दें कि ये जो बुलेट ट्रेन अभी इन्होंने रिसेंटली ओपन की है तो ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर से काफी क्लोज है, और अक्सर आपने देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश के काफी सारे इश्यूज यहाँ पर हुए हैं, और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि चाइना काफी बार इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, इनको कहता है कि वो साउथ टिबेट का ही पार्ट है, बट इंडिया हमेशा से इसे फर्मली रिजेक्ट करता आ रहा है। फिर पास्ट में यहाँ पर ढोकलाम को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, आपको याद होगा। और इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए चाइना ने पहली बार हिमालयन प्लेटू पे इस बुलेट ट्रेन को खोल दिया है। वैसे सोर्सेज द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर चाइना की फॉक्सिंग बुलेट ट्रेन को दौड़ाया जाएगा, जिनकी टॉप स्पीड है लगभग 300 से 350 किलोमीटर पर आवर की। पहले चाइना के चेंगडू से लेके टिबेट के लासा तक जो दूरी कवर करने में टाइम लगता था तो उसमें 48 आवर्स का समय लगता था, बट इस बुलेट ट्रेन की वजह से ये मात्र 13 आवर्स में सिमट के रह गया है। और यही इंडिया के लिए परेशानी की बात है, बिकॉज चाइना ने वर्ल्ड के मोस्ट ज्योग्राफिकली एक्टिव एरिया में इस तरह की हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को फाइनली बना दिया है। सो मान लीजिए अगर कभी फ्यूचर में यहाँ पर विवाद होता है तो चाइना अपने ट्रुप्स को, अपनी आर्मी को, जो भी इनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, उन्हें बेहद ही आसानी से इस हाई स्पीड रेल लाइन के तहत ट्रांसफर कर सकता है इन दिस बॉर्डर एरिया। वही इंडिया की बात करें तो सभी को ऑफकोर्स क्वेश्चन होगा कि इंडिया ने क्या किया है बॉर्डर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो 2017 में आपको याद होगा कि इंडिया ने लॉन्गेस्ट ब्रिज ओपन किया था ऑन चाइनाज बॉर्डर। इसके अलावा भी और भी हमने कई सारे ऐसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए हैं जो कि आसानी से टैंक्स हो या कोई भी हैवी से हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो उसे आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है रेल कनेक्टिविटी, बिकॉज रेल कनेक्टिविटी से काफी तेजी से यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब चाइना चाहता तो यहाँ पर रोड भी बना सकता था, बट उन्होंने हाई स्पीड रेल लाइन कंस्ट्रक्ट किया, और आप जानकर शॉक हो जाओगे कि ये जितनी भी इसकी लंबाई है तो इसकी टोटल लंबाई में लगभग 75% तो ये पूरा टनल्स और ब्रिजेस से ही ऑक्यूपाइड है। इसके अलावा आपने देखा होगा चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है बॉर्डर विलेजेस बनाने के लिए। यहाँ पर ये ऐसे ऐसे विलेजेस काफी स्मार्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से यहाँ पर जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती है जैसे गार्बेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी प्रोवाइड कर रहे हैं नियर विलेज एरियाज इन बॉर्डर। और इनका मेन मकसद यही है कि विलेज की वजह से आसानी से इंडिया की मूवमेंट पर हम नजर रख सकते हैं, इसकी वजह से ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। वही इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसे कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिए जा रहे। इनफैक्ट हालात तो इस तरह से बुरे हैं कि जो बॉर्डर इलाके के विलेज है तो वो बॉर्डर इलाकों से माइग्रेट हो रहे हैं इंडिया के ऐसे इलाकों में जहाँ पर एटलीस्ट ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। वेल, अब यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम भी चाइना की तरह हाई स्पीड रेल लाइन को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे नियर बॉर्डर एरियाज। वेल, एटलीस्ट हम इतना तो नहीं, बट नॉर्मल रेलवे लाइन तो हम कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं ताकि जो भी हमारी मूवमेंट हो तो वो काफी फास्ट और इकोनॉमिकल बन जाए, और स्पेशली इमरजेंसी के हालात में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगी। आपको बता दें कि ये जो बुलेट ट्रेन अब बनाई है चाइना ने, तो पिछले ही साल नवंबर के महीने में यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने ऑफिशियल्स को कह दिया था कि ये न्यू रेलवे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट किया जाए। और चाइना का ऐसा कहना था कि ये हाई स्पीड ट्रेन बॉर्डर पर स्थिरता बनाने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बट रियलिटी में अगर हम देखें तो ये तो कुछ और ही है। वैसे स्केल और स्पीड के मामले में आई थिंक चाइना को बीट करना आज के समय में काफी ज्यादा मुश्किल है किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज अगर हम ये बुलेट ट्रेन की बात कर ले तो इसका काम इन्होंने शुरू किया था 28 दिसंबर 2018, यानी कि आप पकड़ लो कि 2019 को ही इसका काम शुरू हुआ था, और मात्र 2.5 साल के भीतर ही इन्होंने ये पूरी लाइन बनाकर तैयार भी कर दी। इसकी कुल लंबाई है 435.5 किलोमीटर की, और अगर आप इसे इंडिया में बन रहे बुलेट ट्रेन से कंपेयर करो, ये तो 2017 में स्टार्ट हुआ था और इसकी कुल लंबाई है अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर की। वैसे तो टारगेट रखा गया था कि 2022 तक कंप्लीट किया जाए, बट बार बार लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम के चलते यहाँ पर इसकी डेडलाइन को रिवाइज करना पड़ रहा है। और इसके पहले अब रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइना ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, यहाँ पर तो इन्होंने 10 माले की बिल्डिंग को मात्र 24 घंटों के भीतर तैयार कर दिया है। सो ओवरऑल चाहे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, स्केल, स्पीड, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि चाइना काफी आगे है इंडिया से,
बट इंडिया को भी यहाँ पर कम्पीट करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पर हमें कुछ स्पेशल स्कीम्स लानी चाहिए बॉर्डर विलेजेस के लिए, और साथ ही में रेलवे लाइन कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, ऐसे तमाम बुनियादी ढांचों को तो अब काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन इन सभी का शुरू कर देना चाहिए। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ये काफी तेजी से होना चाहिए, बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स, नॉर्थ और साउथ में ही होते हैं, बट नॉर्थ ईस्ट इलाके यहाँ पर काफी बार रखड़ जाते हैं। सो इनके डेवलपमेंट पर भी हमें काफी फोकस करना चाहिए, स्पेशली बॉर्डर इलाके में तो काफी ज्यादा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर से शेयर कीजिए, और साथ ही में कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर।